ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ? ਹਾਂ ਮਹਿਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। हाँ मेरी बच्ची, मैनू भी माता रानी ते पूरा विश्वास है कि माता रानी ने तेरे कोल रह के तेरी सुनी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मेहर पुत्र, मेरे कोल भी था। ये मेरे ही चंगे कर्म है कि मैं तेरे वर्गी बच्ची दी मां बनने वाली हूँ। चल बेटा, हुण आपां अपने घर चलदे हां। पर तुसी इले पूरी तरह ठीक नहीं हो आंटी जी, तैनू आराम की लोड़ है। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। हुण मैं बस तैनू अपने नाल ले जाना चाहूंगी हूँ, अपने घर। चल हुण आपां चल दे। जब तक मेरा लोड माफ नहीं कर देंदा, मैं अपने आप नू माफ नहीं कर सकती। कल मैं पूरी रात दरवाजे वाल देखती रही कि मेरा बच्चा हुण आऊगा, हुण आऊगा। मैं ये रात किवें लंघाई है राज, मैं ही जानती हूँ। मैनू मेरा बच्चा वापिस चाहिए राज। कल जो ओदे नाल होया है ना, मैनू नहीं लगता कि हुण नूर साडे कोल वापस आऊगा। एदा ना बोलो राज। होर की बैठ के आरती उतारा तेरी, कि तू ता बड़ा ख्याल रखदी है नूर दा। उसे नू अकल नहीं जिहड़ा नाराज होके चला गया। गलती ता मेरी भी है, हर वार तेरियां गल्लां च आ जांदा। तेरे करके ना नूर साडे तों दूर हो गया, हुण ओह साडे कोल आउणा ही नहीं चाहुंदा। मतलब सारी गलती मेरी है? तुसीं बहुत बगला भगत हो ना। की मतलब है तेरा? सोचे तू, करें तू, ते च मैं कित्थों आ गया? क्यों, उस सब विच तुसी मेरे नाल नहीं सी? उदों तां तुहानूं मैं बड़ी सही लग रही सी, हुण मैं कल्ली गलत हो गई? तुहाडे नाल अपनी फीलिंग शेयर करना तां बड़ी दूर दी गल है राज, तुहाडे नाल ते बोलना ही बेकार है। मम्मी पापा। नूर, नूर मेरा बच्चा, मैनूं आखिरी बार माफ कर दे। मम्मा कोलों गलती हो गई, सॉरी। हाँ ठीक है मम्मी, हुण मैं थोड़े नाल गुस्सा नहीं। सच्ची नूर? हाँ सच्ची। सिमरन, पावनी नूं लगदा है कि एक बच्चे नूं उहदे मां कोलों दूर नहीं रहना चाहिए, इस लई उह नूर नूं मना के तुहाडे कोल वापस लै आई है। थैंक यू पावनी, थैंक यू सो मच। सच्ची भाभी तू बहुत चंगी है। नूर आज मैं तेनू कमान लेके जावांगी, तू जिन्ने कहेगा मैं तेनू ओने खड़ौने लेके दवांगी। चल पावनी, तेनू लगता कि कुछ दिन होर नूनू साडे कोल रहना चाहिए सी? नहीं करण जी, मैं किसी तो भी ओदा बच्चा नहीं खो सकती। हालांकि नूर मेरे बच्चे वर्गा ही है, पर जे मैं ओनू अपने कोल रखती तां सिमरन दीदी दे दिल विच ए गल आ जानी सी कि मैं ओदे कोलो ओदे बच्चे नू खोया। मैं एक मां दा दिल कदे भी नहीं दुखा सकती करण जी, मैं एक मां कोलो ओदा बच्चा बिछड़ जाण दा दुख समझती हां। इसलिए मैं सिमरन दीदी नू दुखी नहीं कर सकती, बल्कि मैं तां इह चाहुंदी हां कि किसी भी मां नू इहो जिहा दुख ना सहना पवे। मां ते बच्चे दा रिश्ता बड़ा ही प्यारा ते अनोखा हुंदा है। पावनी, तेरा दिल बहुत वड्डा है, इसलिए मैं तेनू इन्ना प्यार करता हाँ। चंगा जी, सानू इत्थे बड़ा चंगा लग्या, हुण असीं चलदे हां। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। चलो बेटा मेहर। ताई जी मैं जा रही हूँ, तुसी सारे अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखी मेहर पुत्र, माता रानी तेनू हमेशा खुश रखे। तू साडी फिकर ना करी, असि सारे इत्थे बिल्कुल ठीक हां। बस तू दब के पढ़ाई करी, चंगा? बाऊ जी मैं चलती हां, तुसी अपना ख्याल रखना। मैं उदों तक तेरे नाल जावांगा जब तक तू जहाज से नहीं बह जाती। जिन्ना हो सके तेरे नाल रहना चाहुंदा, पता नहीं कदों मैं तेनू वेख पावांगा। बाऊ जी असी रोज वीडियो कॉल ते गल करिया करांगे। हाँ, जरूर करांगे,
बार बार करांगे। तेनू पता है तेनू छड़न कौन जा रहे? कौन बाबू जी? चल तू आप चल के देख। थैंक यू सो मच करण जी, तुसी साडी बड़ी हेल्प कीती है। हाँ करण जी, तुहाडे करके ही साडे नवे पासपोर्ट इन्नी छेती छेती बन गए। थैंक यू सो मच जी। जी है तो मेरा फर्ज सी, तुसी बार बार थैंक यू ना कहो। चलो असी गड्डी च समान रख ले। हाँ जी। की सोची है मेरी छुटको? उथे जाके तेनू तेरे पुलिस अंकल दी याद ते आनी है? हाँ पुलिस अंकल, उथे जाके ते मेरी तुहाडी बड़ी याद आनी है। जब भी मेरी याद आवे तो मैनु वीडियो कॉल कर ले। हुँ? मेरी प्यारी छुटको, आज तक तेरे बापूजी ने तेनू जो कुछ भी सिखाया ना चंगी तरह याद रखी, ते उथे जाके ना खूब पढ़ाई करी, ते एक दिन इन्नी कामयाब बन के विखाई कि तेरी मां नू तेरे ते प्राउड फील होवे। ठीक है ना छुटको? ते एक गल तुसी भी याद रखना मेरी, तुसी भी ज्यादा चिंता ना करया करना, क्योंकि मेनू थोड़ा हंसता होया चेहरा देख के बड़ा ही बढ़िया लगता है। मैनू भूली ना दीपू दोस्त। माता ने सुन, मैं तेनू कदे नहीं भूलूंगा। नाले ए ना समझी कि मैं जा रही हां ते तेनू पढ़ने दी कोई लोड़ नहीं, मैं पंडित जी नू फोन करके पुछी दवांगी। तू तो हर काम च मेरी मदद करदी है, हुन कौन करावेगा? माता चिंतपुर्णी, मेरे तो बाद ओ तेरी मदद करेंगी। मेरे पुत्र आ जा, हुण साड़ी यारी बड़ी प्यारी। चल फिर खिंच ले तैयारी। ऐ क्यों है? गड्डी तो चंगी भली चल रही थी। रुको मैं देखता। मैं देखता। की लग रहा है सुरेंद्र जी? इतना तो सब ठीक ही लग रहा है। मैं स्टार्ट करके देखता। करो स्टार्ट। स्टार्ट हो गई जी, आ जाओ। क्यों हो रहा है? मैं तो गाड़ी दी सर्विस ही कराई हुई है। करण जी, चार घंटे पहले चेक इन करना है। सानू लगता है कि सानू टैक्सी ले लेनी चाहिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। इतने नेड़े नेड़े कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, कोई टैक्सी स्टैंड भी नहीं है इतने। मैं देखता हूँ। करो जरा। हाँ जी, हो गई। शुक्र है माता रानी का। चलो जी बैठो बैठो, आ जाओ।
सुरेंद्र जी तुसी भी ओही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा। छुटकू जदी गड्डी विच कदम रखती है तो गड्डी बंद हो जाती है। हाँ जी करण पुत्र, मैनू भी ओही लगता है। माता रानी दा जरूर कोई संकेत लगता है इहदे विच। की गल मेरे पुत्र, तुसी हाल तक गए नहीं? पंडित जी कदी गड्डी स्टार्ट हो जाती है तो कदी बंद। मेरे तो बिना तो अज मंदिर में एक दीवा भी नहीं जल रहा। इथों तक कि जोत भी नहीं चल रही। यह तो उदो होंगे जो माता रानी नू ना मेहर की याद आ। मैं लग रहा है कि माता रानी कोई खेड खेड रही है। वो नहीं चाहती है कि मेहर इतों जाए। सच्ची माता रानी मैनू याद कर रही है। मैं हुने आई माता रानी, हुने आई। तुहानू कुछ समझ आया? माता रानी बार बार इशारा कर रही है कि मैं इत्थे ही रुक जावे। ते इसलिए कोई डिवाइन पावर बार बार उहदा रस्ता रोक रही है। जय माता की, जय माता की। मैं तो उन्हें छोड़ के कितने नहीं जाना। मैं तो भूल ही गई सी कि तुसी भी मैनू बहुत प्यार कर दे। जे मैं चली जाती तो तुसी भी तो दुखी हो जाना सी ना। मैं तो तुहाडे कोल ही रहना। माता रानी दे शुक्र है कि मेरी दोस्त इत्थे रहेगी। हसी तो मैं इहनू लैके की कुछ सोच लिया सी। पर इहदी मर्जी तो बिना भी तो नहीं लैके जा सकते। तुसी माता रानी दी शरण च आए ते माता रानी अपने किसी भक्त को निराश नहीं करती। तुसी फिक्र ना करो, माता रानी के विश्वास रखो और इनके आशीर्वाद नाल तुहाडे घर तुहाडी अपनी औलाद होगी। ते मैं भी माता रानी के दरबार में खड़ के एक गल कहना कि जे साडे घर इत्ती हुई तो असीं उहदा नाम मेहर ही रखांगे। चलेगी मेम बन के ऐ नहीं हैगा भी जान तो पहला साफ सफाई करके जावा। आपा ना ओदा सारा सामान चक के ना बाहर सिट देना ते अलमारी ना मैं अपनी राणा नु दे देनी है। क्यों मेरी रज्जी नु वड़दी है ए? ओहो तू ते तेरी रज्जी मेरा मतलब रज्जी राणा दोनों नु दे देनी है। तू ना अपने मतलब जल्दी साफ करया कर। चंगा ना मतलब तो पहला ओदी मां दी फोटो ना साफ कर दी है। आहो कर दे कर दे। वैसे भी ना आपा ओदी कोई याद नहीं रखनी इस घर च। मसी तो खेड़ा छुटिया तो आहो नाले चार पैसे बच जा कर देंगे जेड़े बापू जी उत्ते करदे हुंदे सी खर्चा ते जेड़ा साडे ते कर्जा चढ़ाया सी ना वो भी उतर जाऊगा। वधिया गई दफा हुई परा। हले नहीं गई हो मम्मी इत्थे ही है वो। है वो गई नहीं इत्थे ही है ना। होर क्यों नु जहाज लैण आऊगा महारानी नु। उना दी गड्डी स्टार्ट नहीं हुई। मैं सुनया मेहर वापिस घर आ रही। जानता हूँ सुरेंद्र जी, जो असी छुटकू बारे सोचे से होते हुए नहीं, पर होना तो वही है जो माता रानी को मंजूर है। हाँ करण पुत्र, आज मेरी एक उम्मीद टूट गई। हम मेरी मेहर तक की बनूंगा। तुसी फिक्र कानू कर दे सुरेंद्र जी, जरूरी तो नहीं कि मेहर का फ्यूचर लंडन विच ही सी। साढ़े देश विच भी बड़ी सारी ऑपरचुनिटीज ने। वो इत्थे भी वो सब कुछ कर सकती है जो लंदन जाके करना सी। हाँ
सबर तो रखना ही पैना है। ज्यादा सबर करने की लोड़ भी नहीं पैनी। मैं छुटकू बारे कुछ सोचे, तुसी फिक्र ना करो, मैं छेती तुहानू दसदा, तुसी टेंशन फ्री हो जाओ, मैं चलदा। पामी कमाल है करण जी, अज तो इन्ने खुश लग रहे हो जिवे तुहाडी कोई लॉटरी लग गई होवे। लॉटरी नहीं पर मेरा जैकपॉट लग सकता है, बस उस तरह हो जावे जिवे मैं सोचे। की सोच रहे हो तुसी, मैंने भी तो दसो, जैकपॉट ते आधा हिस्सा मेरा भी होएगा ना? आधा नहीं, तुसी पूरा ही रख लो, बस मेरा जैकपॉट लग जावे। मैंने भी तो दसो, सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो। पावनी जैसे किसी बच्चे नू सहारा देके अपना बना लीए, वो बच्चा ऐसा होए जो साड़ी खुशियां विच चार चन ला देवे, ते उस बच्चे दी मां बनना तेनू पसंद होएगा? कितने तुसी अपने छुटकू बारे गलत नहीं कर रहे हो? हाँ पावनी, मैं छुटकू बारे गल कर रहा। पर तुसी ता कह रहे सी कि लंदन तो कोई कपल उन्हों अडॉप्ट करने लिए आया हुआ है। हाँ पावनी, बस ऐसे ही माता रानी ने अपना खेल खेलिया। छुटकू दा लंदन जाने लिए वीजा भी लग गया सी, पर जदों मैं उन्हों छड़न जा रहा सी ते चमत्कार हो गया। जदों छुटकू गड्डी विच बैंदी सी, गड्डी अपने आप बंद हो जाती सी, ते जदों उतरती ते गड्डी स्टार्ट। ऐवें किवें हो सकदा है? पता नहीं पावनी, ऐसा माता रानी कर रही है। तेनू पता है उस दिन भी मंदिर विच दिवे नहीं जल रहे सी, ते जदों छुटकू मंदिर विच आई ते उन्हें दिवे बले ते सारे जल गए। पंडित जी भी कह रहे सी कि माता रानी नहीं चाहती कि छुटकू इत्थों कदी भी दूर जावे। छुटकू नू बहुत सारा प्यार ते चंगे परिवार की जरूरत है, ते बस मैं अपना मन बना लिया कि छुटकू नू अपने घर विच लियाना है अपने कोल। मैंने उस बच्चे नू रखन विच कोई एतराज नहीं है करण जी, बल्कि मैं तो खुशी होंगी कि मैं किसी ऐसे बच्चे नू सहारा देंगी जिसकी माँ नहीं है, पर वो तो ऑलरेडी 7 साल दी है। इन्नी वड्डी बच्ची इत्थे रह पाऊगी? साडे नाल एडजस्ट कर पाऊगी? करूगी पावनी, जरूर करूगी। चलना, मैं तेनू एक बार छुटकू नाल मिलवा देवा, बड़ी खास बच्ची है, एक बारी मिलके तो वेख तेनू ओहदे नाल प्यार हो जाना है। तुहाडियां गल्लां सुन के तो मेरे कोलों भी सबर नहीं हो रहा करण जी। वैसे भी जिहड़ी बच्ची ने तुहाडा दिल जित लिया है वो बच्ची तो खास ही होनी है। जो उस बच्ची नू एक मां दी लोड़ है तो इस मां नू एक बच्चे दी लोड़ है। ऐसे खुशी च लड्डू मामे वालों प्यारा जिहा गिफ्ट। थैंक यू लड्डू मामा, मेनू किताबां बड़ियां चंगियां लगदियां ने। ते मेनू तू
पता मेहर पुत्र जो तू इतो जा रही सी ना तब मेरा मन बहुत दुखी होया। तेनू पता तू मेरी लक्ष्मी है, तू वापस आई ना तो मैं ऐ लगे जिवें मेरी लक्ष्मी वापस आ गई हो। मैं ना तेनू दस नहीं सकता कि मैनू किन्नी खुशी है। ओनू की होया बिट्टी? पता नहीं किट्टी, इन्ना प्यार कदे अपनी सगिया भांजी ने दिखाया नहीं। हां बिट्टी चाह दे। मैं तो मुर्गे नू दाणा पा रहा सीगा, जे अपने दाणे ते हलगी ना तो तुहाडी मौत हो जानी है। ओ इत्थे रह के करते सारे काम करूगी ते तुसी करोगे ऐश। क्यों? चल मेरे पुत्र छेती छेती कुछ खा ले, आ जा। फिर ना बड़े काम पे ने करन वाले, हुन तेरा ही घर है ना, तू ही करने ने काम। क्यों